ये रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी का मतलब है हुजूर की बातों को मानो, हुजूर के अहकामात को मानो। वालिद अगर पाकिस्तान में हो और बेटा अमेरिका में हो, वालिद की बीमारी का बेटे को पता चले ना कि अब्बू बीमार हो गए हैं और वो वहां से टिकट कराए और पाकिस्तान आ गए, अब्बू मैं आपके चेहरे को देखना आया हूँ, मुझे आपसे प्यार है, तो वालिद बड़ा खुश होगा। लेकिन ये बेवकूफ बेटा वालिद का बेटा फला कहना मानोगा, मैं कहना मानने तो नहीं आया, मैं तो तेरा चेहरा देखने आया, मुझे आपके चेहरे से प्यार, बेटा मेरे फला दोस्त के घर जा ये पैगाम दे गया, मैं उस दोस्त के घर तो नहीं आया इसलिए कि वहां जाऊंगा, मैं तो आपकी ज्यारत करने के लिए आया। तो दुनिया का कोई कम अक्ल भी इसको ये नहीं कहेगा कि इसको बाप से प्यार है। सारे लोग कहेंगे अगर इसको वालिद से प्यार होता तो उसकी बात तो मानता, खाली तो मुंह खड़ा है, एक ही गाल है, ये अमल भी तो करता। हमारा हाल भी वही है, रसूलुल्लाह के अहकामात है नमाज पढ़ो, हमने नमाज के करीब नहीं जाना, हमें हजूर से बड़ी मोहब्बत है। हुजूर के अहकामात है रोजा रखो, हमने एक रोजा नहीं रखना, हमें हजूर से मोहब्बत है। हुजूर के अहकामात है साल में अपने माल पर इतना माल हो जाए तो जकात फर्ज है, हमने जकात की एक टेढ़ी नहीं देनी, हमें हुजूर से बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हुजूर पाक के अस्सलाम के अहकामात है माँ बाप का कहना मानो, और मैं सारी जिंदगी अपने माँ बाप का कहना ना मानू और मैं कहूँ मुझे हुजूर से बड़ा प्यार है।